पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। कोई आदमी किसी पर सबसे अधिक विश्वास करता तो अपनी पत्नी पर। पत्नी ही तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और जीवन साथी होती है। ऐसे में पति उस पर अगाध विश्वास न करे तो भला किस पर करे। सतीश को भी अपनी पत्नी मधु पर अंधविश्वास की सीमा तक विश्वास था। उसका यह यकीन तब दरका जब एक दिन अचानक तबीयत खराब होने से शाम को वह जल्दी घर लौट आया। दरअसल सतीश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। वह सुबह 10 बजे घर से निकलता था, फिर 9 बजे के आसपास ही उसकी वापसी होती, लेकिन उस दिन वह जल्दी घर आ गया था। सतीश कुमार श्रीवास्तव जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से मधु की खिलखिलाहट सुनाई दी। सतीश के पांव जहां के तहां ठहर गए। सोचने लगा, जब मैं घर पे रहता हूँ तब मधु की त्योरियाँ चढ़ी रहती है, कुछ कहता हूँ तो चिढ़ जाती है, बोलो मत मूड खराब है, लेकिन अब वह किसके साथ खिलखिला रही है। सतीश ने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे याद नहीं आया कि मधु कब उसके सामने इस तरह से खिलखिलाई थी। सतीश के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। आखिर इस समय घर के अंदर कौन है जिसके साथ वह इस तरह खिलखिला कर बातें कर रही है। सतीश ने कदम आगे बढ़ाया लेकिन फिर खींच लिया। मधु कह रही थी, तुम्हारे जोश की तो दीवानी हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम किस माटी के माधव की बात कर रहे हो? अगर वही रसीला होता तो भला मैं तुमसे क्यों दिल लगाती? मैं तुम्हारे जोश और तुम्हारी रसीली बातों की दीवानी हूँ। एक तरफा संवादों से सतीश ने अनुमान लगा लिया कि कमरे में मधु के अलावा कोई नहीं है। वह फ़ोन पर किसी से रसीली बातें कर रही है। मधु जोश में थी, इसीलिए उसकी आवाज़ बुलंद थी। कमरे में की जाने वाली बातें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। बातें सुनकर सतीश की खोपड़ी घूम गई। मधु बीवी मेरी और जोश का गुणगान कर रही है किसी दूसरे का? सतीश ने गुस्से में दरवाजे पे लात मारी। भीतर से बंद होने के कारण वो फटाक से खुल गया। सामने ही मधु मोबाइल फोन कान में लगाए टहल टहल कर बातें कर रही थी। पति को देखते ही उसने हड़बड़ा कर फोन पर चल रही बात डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद वह चेहरे पे मुस्कान सजाने की जबरन कोशिश करते हुए बोली, अरे तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? सतीश ने मधु को खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर बोला, तू किसके साथ की जोश की दीवानी की जैसी बातें कर रही थी? गुस्से में की पत्नी की पिटाई, सतीश ने लपक कर मधु का हाथ पकड़ लिया और उसका मोबाइल छीनने लगा। लपटा झपटी के बीच मधु ने उस नंबर को डिलीट कर दिया जिस नंबर पे वह रसीली बातें कर रही थी। सतीश का दिमाग पहले से गर्म था, नंबर डिलीट करने से और गर्म हो गया। उसने मधु को लात घूसों और थप्पड़ों से रख लिया। हर प्रहार के साथ उसका प्रश्न होता, बता तू किसके साथ जोश की दीवानी है और यह सब कब से चल रहा है? लेकिन पिटाई के बावजूद मधु ने जवान बंद रखी। मधु को पीटते पीटते जब सतीश पस्त पड़ गया तो वह घर के बाहर चला गया। मधु कमरे में सिसकती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बर्रा थाना अंतर्गत एक मोहल्ला रजौली पड़ता है, जिसकी मोहल्ले के फेस 2 में सतीश कुमार श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मधु के अलावा 2 बेटे आयुष व पीयूष थे। वह मूल रूप से औरैया जिले के दिव्यापुर कस्बे का रहने वाला था। सालों पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कानपुर शहर आया था। वह पढ़ा लिखा था, हिंदी और अंग्रेजी भाषा उसकी पकड़ पर थी, अतः उसे बिरहाना रोड स्थित एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी में नौकरी मिल गई। बाद में वह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गया और उसी कंपनी की दवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के यहाँ सप्लाई करने लगा था। मधु सतीश की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी श्वेता की मौत हो गई थी।
उसकी एक बेटी शिवांगी थी जो अपनी ननिहाल में पल भर रही थी। पहले पत्नी की मौत के बाद सतीश ने मधु से शादी कर ली थी। मधु पढ़ी लिखी व तेज तर्रार थी, सुंदर भी थी, अतः सतीश को उसे बहुत चाहत था, उस पर भरोसा करता था, वह उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। समय बीतता रहा, समय के साथ मधु के बच्चे आयुष व पीयूष बड़े हुए तो उसका खर्च बढ़ गया। इस खर्च को पूरा करने के लिए उसने पति के साथ काम करने का निश्चय किया। मधु ने इस बाबत सतीश को बात की। पहले तो सतीश ने साफ मना कर दिया, लेकिन पत्नी के समझाने के बाद मान गया। सतीश अब विजिट के लिए घर से निकलता तो मधु को भी साथ ले जाता। उसने कानपुर शहर तथा आसपास के कस्बे के दर्जनों वैद्यों और डॉक्टरों से मधु का परिचय करवाया और दवा बेचने के साथ गुड़ बताए। उसके बाद मधु सतीश के दवा कारोबार में हाथ बटाने लगी। पत्नी के सहयोग से सतीश अच्छी कमाई करने लगा। मधु का बड़ा बेटा आयुष पढ़ने में कमजोर था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो मधु ने उसे गोविंद नगर स्थित फार्मा मेडिकल स्टोर पे काम पे लगा दिया। लेकिन छोटा बेटा पीयूष तेज दिमाग का था, मधु उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, अतः वह उसकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देती थी। पढ़ाई के साथ वह कोचिंग भी जाता था। मधु ने कुछ समय तक ही पति के साथ काम किया, उसके बाद वह डॉक्टरों के यहाँ अलग से विजिट करने जाने लगी। मधु का मानना था कि अलग अलग जाने से दवा का ऑर्डर ज़्यादा मिलता है। यदि मधु का अलग अलग जाना सतीश को पसंद न था, लेकिन मधु के आगे उसकी एक न चली, दो डॉक्टरों को फंसा लिया। मधु दो बेटों की माँ जरूर थी, लेकिन उसके बनाव सिंगार से कोई भाव नहीं पाता था कि वह दो जवान बेटों की माँ है। सतीश के मन में भोग विशाल से उचट होता था। वह दिन भर की भाग दौड़ से इतना थक जाता कि खाना खाने के बाद चादर तान के सो जाता था। इसके विपरीत मधु हर रात पति का साथ चाहती थी, लेकिन वह वंचित रहती थी। मधु को जब पति का साथ नहीं मिला तो उसने घर के बाहर ताकझांक शुरू की। उसके संपर्क में कई डॉक्टर ऐसे थे जो मनचले थे और जिन्हें औरत सुख की चाहत थी। मधु ने ऐसे ही दो शहर के डॉक्टर को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और उसके साथ मौज मस्ती करने लगी। ये दोनों डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते रहते थे। मधु को जब मौका मिलता वह उनसे खूब रसीली बातें करती थी। सतीश पत्नी पे भरोसा करता था, उसने कभी किसी तरह का उस पर शक नहीं किया। लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने पे जब वह समय से पहले घर आया और मधु को मोबाइल फ़ोन पे अश्लील और रसीली बातें करते पाया तो उसका विश्वास डगमगा गया। शक होने पर उसने मधु की जमकर धुनाई की फिर भी, लेकिन उसने आसिक का नाम नहीं बताया बल्कि आसिक का मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। शक का बीज बहुत जल्दी पनपता है। सतीश के मन में भी शक था, अतः वह पत्नी पर नज़र रखता था। जिस दिन वह मधु को एकांत में बात करते देख लेता, उस दिन पहले तो तूतू मैं होती, फिर नौबत मारपीट तक आ जाती थी। अब एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों एक दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। बड़ा बेटा आयुष पिता के पक्ष में था, जबकि छोटा बेटा पीयूष माँ के पक्ष में बोलता था। 19 मार्च 2021 को आयुर्वेद दवा निर्माता कंपनी की दिल्ली में मीटिंग थी, जिसमें कानपुर शहर के डीलर व एमआरआई को मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। सतीश कुमार श्रीवास्तव भी अपनी पत्नी मधु श्रीवास्तव के साथ शामिल होने दिल्ली गया था। मीटिंग समाप्त होने के बाद मधु ने कुछ खरीदारी की, फिर शताब्दी बस से ये दोनों कानपुर को रवाना हो गए। 21 मार्च 2021 की सुबह 8 बजे मधु और सतीश अपने जरौली स्थित घर पहुँचे। उस समय घर पे कोई अन्य न था। दोनों बेटे पीयूष और आयुष गीता मौसी के घर पे थे, जो जरौली में ही रहती थी।
सतीश को किसी जरूरी काम से अपने पिता के घर दिव्यापुर जाना था। उसने मधु से जल्दी खाना बनाने को कहा, लेकिन मधु ने उसकी बात को सुना कर दिया और मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल कर बतियाने लगी। वह किसी युवक से अश्लील बातें कर रही थी। सतीश ने उसे बातें करने से मना किया तो मधु झगड़ने लगी और उसे गाली बकने लगी। इस पर सतीश को गुस्सा आ गया। उसने फोन छीन कर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से उसका सिर दीवार से टकरा गया, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। खून देखकर मधु को गुस्सा आ गया और उसने सतीश के मुंह पे जूता फेंक कर मारा। मुंह पर जूता लगा तो सतीश आपा खो बैठा। उसने मधु को फर्श पे पटक दिया और बोला, हरामजादी बदचलन, आज तुझे किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, तुझे तेरे पापों की सजा देकर ही दम लूंगा। कहते हुए सतीश ने मधु की साड़ी से उसका गला घोट दिया। मधु की हत्या करने के बाद उसने सब को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दिन का वक्त था, सो वह लाश को बाहर कैसे ले जाता। उसने बड़े बक्से को खाली किया और मधु के शव को बक्से में बंद कर दिया। मोबाइल फोन को भी उसने बंद कर दिया। शाम को दोनों बेटे घर आए तो सतीश ने बताया कि मधु का किसी फोन आने पे घर से निकली थी, तब से नहीं आए। इसके बाद वह आयुष और पीयूष के साथ मधु की खोज करता रहा। अगली सुबह सतीश ने बड़े बेटे आयुष को गुमशुदगी दर्ज कराने थाना बर्रा भेजा। वहाँ पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, मधु की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए सतीश ने मधु का मोबाइल चालू कर सड़क से गुजर रहे एक लोडर में फेंक दिया। रात में सतीश ने सबको बक्से से निकाला, लेकिन गर्मी की वजह से सब फूल चुका था और उससे दुर्गंध आने लगी थी। पीयूष ने बदबू की बात की तो भेद खुलने के भय से सतीश ने उसे गीता मौसी के घर भेज दिया। आधी रात के बाद सतीश ने एक बार फिर सबको ठिकाने लगाने की सोचे। वह सब कमरे में घसीट कर गेट तक लाया, लेकिन उसकी हिम्मत दगा दे गई। सब उठाते समय बाल व खाल उसके हाथ में आ गए, सब सड़ने लगा था। सवेरा होने से पहले सतीश ने गेट पर ताला लगाया और फरार हो गया। 23 मार्च 2021 की सुबह सतीश के पड़ोसियों ने सतीश के घर से भीषण दुर्गंध महसूस की तो उन्होंने थाना बर्रा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी हरमित सिंह टीम के साथ सतीश के घर पहुंचे। ताला तोड़कर वह घर के अंदर घुसे तो गेट के पास ही उन्हें सड़ी गली महिला की लाश मिली। पड़ोसियों ने तुरंत लाश को पहचाना। उन्होंने बताया कि लाश सतीश की पत्नी मधु श्रीवास्तव की है। थाना प्रभारी की सूचना पर एसपी दीपक भूकर तथा डीएसपी विकास पांडे भी आ गए। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी, संभवतः उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। इसी बीच पता चला कि सतीश अपने दोनों बेटे स्थानीय नेताओं के साथ थाना दर्रा पहुंचा और पुलिस की नाकामी को लेकर हंगामा कर रहा है। यह सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह थाने पहुंचे और सतीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मधु बदचलन थी, वह आशिक से मोबाइल पे बात कर रही थी, मना किया तो जूता फेंक कर मुँह पे मारा, गुस्से में मैंने उसका गला घोट दिया। उसके बेटे निर्दोष हैं, उन्हें हत्या की जानकारी नहीं थी। चूँकि सतीश ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने भदावदी की धारा 302/2001 के तहत सतीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी और उसे
न्याय सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 24 मार्च 2021 को बरना पुलिस के अभियुक्त सतीश कुमार श्रीवास्तव को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जिला जेल भेज दिया गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।